Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2014 हॉलीवुड सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी मर्सी के बारे में। कहानी स्टार्ट होती है 1967 के वेस्ट वर्जीनिया से। हमें घर में एक औरत को देखते हैं अपने बच्चे को सुलाते हुए। अचानक उसका पति कमरे में एंटर करता है कम्प्लीटली ड्रंक एंड डिल्यूशनल हालत में। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तन्हाई थी। उसके एक हाथ में था शराब का बोतल और दूसरे हाथ में थी एक कुल्हाड़ी, जिसे अचानक ही वो अपने माथे पर गाड़ देता है इतनी फोर्सफुली कि उनका सर आधे हिस्से में बट जाता है। सुसाइड करने का इससे भयानक तरीका शायद और कुछ हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं कुछ साल बाद। देखते हैं अभी उस घर में एक ओल्ड लेडी रहती है मर्सी। उनके तीन बच्चे हैं, दो बेटी रेबेका एंड जिनी और एक बेटा लैन। मगर किसी अनोन रीजन से कोई उनके साथ इस घर में नहीं रहते, बस कभी कभी आ जाते हैं उनसे मिलने। उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है रेबेका का छोटा बेटा जॉर्ज। वो बचपन से ही मर्सी का लाडला है और उनका घर उसका फेवरेट वेकेशन हाउस। एक बार ऐसे एक गेट टुगेदर में मर्सी अचानक से बीमार पड़ जाती है। एक्चुअल में क्या हुआ किसी को पता नहीं चला, लेकिन उनका पूरा शरीर कांपने लगा था और वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो गई थी। रेबेका का बड़ा बेटा बडी उनसे बात करने जाता है तो मर्सी उस पर ही हमला कर देती है, चाकू से घायल कर देती है उसे। फाइनली जॉर्ज जाता है उनसे बात करने। मर्सी इनिशियली उसे देखकर भी चेस करती है, मगर बाद में खुद को संभाल भी लेती है। जॉर्ज से कहती है वो उसे बहुत प्यार करती है, मगर कोई उसे ले जाने आ रहा है, उसे यहाँ से जाना होगा, वो उसे और रोक नहीं सकती। जॉर्ज उनकी एक भी बात समझ नहीं पाया, ना उसे मौका मिला। रेबेका बडी की हालत देखकर इतनी डर गई थी कि वो उसी वक्त अपने दोनों बेटे को लेकर घर लौट जाती है। मर्सी को डाल देती है एक फैसिलिटी केयर में। इसके बाद देखते देखते एक साल बीत जाता है। मर्सी वहीं पर रह गई थी। रेबेका उनके सारे एक्सपेंसेस कवर करती है, मगर एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई। फाइनली एक दिन उसे हॉस्पिटल से कॉल आया कि मर्सी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, वो लोग उसे और संभाल नहीं सकते, उसे डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। इस खबर से सबका रिएक्शन अलग अलग होता है। जॉर्ज बहुत खुश हो जाता है कितने दिनों बाद वो अपने नानी से मिलेगा ये सोचकर, मगर रेबेका टेंशन में पड़ चुकी थी। वो सब कुछ मैनेज कैसे कर पाएगी? उसे पता है लैन उसकी कोई मदद नहीं करेगा, मर्सी से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती और जिनी तो खुद ही मेंटल असाइलम में है। तो रेबेका डिसाइड करती है कि वो कुछ दिनों के लिए मर्सी के साथ उसके पुराने घर में रहने जाएगी, उसकी देखभाल करेगी और ज्यादा दिन नहीं है उनके पास। तो एज प्लान्ड दो दिन बाद ही वो लोग निकल पड़ते हैं बोरिया बिस्तर बांध के। जाने से पहले जॉर्ज अपने एक दोस्त से मिलने जाता है। अब इस लड़की की खासियत यही है कि उसे सिर्फ जॉर्ज ही देख सकता है और कोई नहीं। जॉर्ज समझ नहीं पाता ये उसका इमेजिनेशन है या फिर कुछ और, मगर ये लड़की उसे हमेशा गाइड करती है, अच्छी सलाह देती है, तो जॉर्ज भी और कुछ माइंड नहीं करता। फाइनली मर्सी के घर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है पिछले एक साल में घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अंधेरे में तो ये किसी भूतिया घर जैसा लग रहा था। जॉर्ज अपने भाई को डराने लगता है और तभी उनके बातों से हमें पता चलता है फिल्म के स्टार्टिंग में हमने जिस हादसे को देखा था वो इसी फैमिली का है। वो औरत मर्सी थी और वो आदमी मर्सी का पति फ्रैंक था। फैमिली में किसी को नहीं पता उन्होंने सुसाइड की थी, बल्कि सबको ये लगता है कि उनकी मौत लकड़ी काटते वक्त एक्सीडेंट में हुई थी। लेकिन क्या कोई एक्सीडेंटली अपने आप को ऐसे काट सकता है? गॉड नोज। नेक्स्ट सीन में हम उनके एक फैमिली फ्रेंड जिम से मिलते हैं। जिम पास वाले घर में रहता है और भले वो शादीशुदा क्यों ना हो, मगर वो प्यार करता है रेबेका से। उसके हर एक क्राइसिस में उसका साथ देता है, जैसे अभी दे रहा। उधर घर में एक अजीब सा हादसा होता है। जॉर्ज कुछ सामान ठीक कर रहा था, तभी उसे कारपेट के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कोई गुस्से में गुर्रा रहा हो। जॉर्ज चेक करने जाता है, लेकिन ठीक तभी उसकी माँ बुलाती है और वो गुर्राना बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे वो सभी जाते हैं मर्सी को घर लाने, लेकिन उसके कंडीशन देखकर चौंक जाते हैं सभी। पता चलता है कुछ महीने पहले उनका स्ट्रोक हुआ था, तब से वो पैरालाइज्ड हो चुकी है, मगर फिर भी न जाने क्यों हॉस्पिटल के सारे लोग उससे डरते हैं। कोई पेशेंट उसके साथ रूम शेयर करना नहीं चाहता, ना कोई स्टाफ उसके आस पास जाना चाहता है। रेबेका तो इवन डबल पैसा ऑफर भी करती है, फिर भी कोई नर्स उसका टेक केयर करने के लिए राजी नहीं होता। इससे रेबेका मुश्किल में पड़ जाती है।
टाइम टाइम पे मर्सी को खिलाना, दवाई देना, इंजेक्शन लगाना, उनका डायपर चेंज करना और हर वक्त उन पर नजर रखना। रिबेका के लिए सिंगल हैंडेडली ये सब कुछ संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तब होती है जब मर्सी वायलेंट हो जाती है। न जाने अचानक से उसके शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वो अजीब से लैंग्वेज में चिल्लाने लगती है और सभी को मारने लगती है। तब सभी मिलके किसी तरह उसे संभाल लेते हैं, मगर उसी रात जॉर्ज जब उन्हें देखने जाता है तो उसे मर्सी के बेड में कई सारे हाथ दिखते हैं। वो तो डर जाता है, मगर बडी के आने के साथ साथ वो सारे हाथ गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जॉर्ज को एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा था हेस्टर को वो मिल चुकी है, भागो जॉर्ज भागो। इस पर कोई नाम नहीं लिखा था सेंडर का, मगर हैंड राइटिंग से रिबेका पहचान लेती है ये उसकी बहन जिनी ने भेजा है। लेकिन वो तो हॉस्पिटल में है, उसे कैसे पता चला जॉर्ज यहाँ आया है और इस चिट्ठी का मतलब क्या है। रिबेका कुछ समझ नहीं पाती, मगर इस हेस्टर का नाम सुनते ही मर्सी अग्रेसिव हो जाती है। इसके अगले दिन मर्सी का जन्मदिन था। उसके घर में एक छोटा सा पार्टी अरेंज किया जाता है। वहाँ उसके नेबर्स और कुछ दोस्त आए थे। जॉर्ज नोटिस करता है उनमें से लोकल चर्च का फादर ग्रेगरी भी थे। उन्हें देखते ही मर्सी गुस्से में पागल हो जाती है, किसी जंगली जानवर की तरह कुहराने लगती है वो। उस दिन पार्टी में अंकल लैन भी आए थे जो जॉर्ज को कुछ अजीब बातें बताते हैं। कहते हैं उसे मर्सी के बारे में पूरा सच नहीं पता। मर्सी कोई लविंग एंड केयरिंग मदर नहीं है, एक बहुत ही बदमाश औरत है जो अपने बच्चों के लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी। उन्हें कभी प्रॉपर चाइल्डहुड नहीं मिला। मर्सी अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब कुछ उन पर ही निकालती थी। इसीलिए रिबेका घर छोड़कर भाग गई सिर्फ 18 साल की उम्र में। उसके चाइल्डहुड स्वीटहर्ट से वो दूर हो गई। लैन शराबी बन गया, मगर सबसे ज्यादा बुरा तो शायद जिनी के साथ हुआ था। वो एक लड़के टेरी से प्यार करती थी, शादी करना चाहते थे वो दोनों, मगर मर्सी ने अलाउ नहीं किया। वो अपने सभी बच्चों को अपने पास अपने मुट्ठी के अंदर रखना चाहती थी, किसी भी कारण से खुद से दूर भेजना नहीं चाहती थी वो। मजबूरन जिनी को छुपके से शादी करनी पड़ी। बाद में जब मर्सी को पता चला उसने सिर्फ एक ही बात कही, एंजॉय योर हनीमून। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर उसके बाद जो हुआ उससे उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। हनीमून पे जाने के बाद एक दिन जिनी और टेरी पर किसी बियर ने हमला कर दिया। टेरी को मारकर खा गया वो बियर और उस शौक से जिनी पागल हो गई। सरप्राइजिंगली पुलिस को उस जंगल में किसी भी बियर का फुटप्रिंट ही नहीं मिला। सभी ने इसे एक्सीडेंट मान लिया, मगर लैन एंड जिनी जानते थे ये मर्सी का काम है। वो जादू टोना करती थी, उसने ही टेरी को मारा है जिससे जिनी उसके पास वापस आ जाए। असल में जिनी भी अपने माँ की तरह एक साइकिक है, उसे विशंस आते हैं। उसने जब ये चिट्ठी भेजी है इसका मतलब जॉर्ज सच में ही खतरे में है, उसे मर्सी से दूर रहना चाहिए। जॉर्ज को अपने अंकल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वह रात में अपने नानी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है। मर्सी जवाब तो देती है, मगर कौन से लैंग्वेज में जॉर्ज समझ नहीं पाता। सिर्फ नानी को ऐसे नॉर्मली बिहेव करते देख उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो रिकवर कर रही है, फालतू में सिडेटिव्स देने की जरूरत क्या है। नेक्स्ट डे वो फिर से उनसे कम्युनिकेट करने जाता है और इस बार मर्सी खुद उसे उन दवाई को फेंकने के लिए कहती है। जॉर्ज मना करता है तो वो सिरिंज से खुद को जख्मी करने लगती है। मजबूरन जॉर्ज को उसकी बात माननी ही पड़ती है। वो सारे मेडिसिन को सलाइन वाटर से रिप्लेस कर देता है, सिर्फ एक फाइल रख देता है इमरजेंसी के लिए। उस दिन रिबेका बडी और जॉर्ज को लेकर पास वाले शहर में जाती है कुछ जरूरत का सामान लाने। मर्सी के पास रहता है लैन। जॉर्ज इसी मौके का फायदा उठाकर फादर ग्रेगरी से मिलने जाता है, उसे मर्सी का सच जानना था। फादर कहते हैं सालों पहले वो फ्रैंक और मर्सी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हुआ करते थे। मर्सी एक ट्रू क्रिश्चियन थी, भगवान पर उसका भरोसा अटूट था। उनकी कृपा से उसे सब कुछ मिला था, मगर कोई बच्चा नहीं। एक के बाद एक 3 बार उसका मिसकैरेज हुआ। फाइनली डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। इसके बाद से ही मर्सी बदलने लगी थी। वो चर्च नहीं जाती थी, ग्रेगरी से कांटेक्ट तोड़ दिया उसने, और इसके कुछ दिन बाद ही अचानक सबको पता चला मर्सी प्रेग्नेंट है, वो भी 3 बच्चों से। किसी को एग्जैक्टली तो कुछ पता नहीं चला, मगर र्यूमर फैलने लगी कि उसने काला जादू अपनाया है। सिर्फ माँ बनने की खुशी ही नहीं, उसे जैसे एक के बाद एक जैकपॉट मिलने लगा था। कभी उसे अपने घर के पास वाली जमीन से गोल्ड मिला, तो कभी उसका फार्म
साल भर बारिश के बिना ही फ्लरिश करने लगा। पूरे शहर का सिचुएशन कितना ही खराब क्यों ना हो, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने शैतान से हाथ मिलाकर अपना गुड लक तो खरीद लिया था, मगर बदले में उसे पे भी करना पड़ा। फ्रैंक के साथ उसका रिश्ता खराब होने लगा था। फाइनल वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने सुसाइड कर ली, या फिर शायद वो सिर्फ एक बलि का बकरा था। उसके मौत के बाद मर्सी और ज्यादा बदल गई। उसके अंदर से हर एक अच्छाई मिटने लगी। दिन पे दिन वो और ज्यादा ईविल, मीन, सेल्फिश, रूड और बदतमीज होने लगी। एंड फाइनली आज उसकी हालत ये है। फादर ग्रेगरी के बातों से जॉर्ज और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। जब सभी एक ही बात कह रहे हैं तो इसमें सच्चाई तो जरूर होगी। जॉर्ज के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, तो क्या उसकी नानी सच में ही ईविल है? मगर उस दिन घर लौटने पर उन्हें जो झटका लगा, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं थे। उन्हें घर में लैन की लाश मिली। मर्सी उसके पास ही पड़ी थी और उसके शरीर पे लैन का खून लगा था। क्लियरली मर्सी ने ही अपने बेटे का खून किया था, मगर क्यों वो किसी को पता नहीं चला। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट करार दे दिया, मगर जॉर्ज का मन नहीं मान रहा था। वो मर्सी पर नजर रखने लगा। एक दिन घर को क्लीन करते वक्त उसे कारपेट के नीचे से फिर से आवाज सुनाई दी। इस बार चेक करने पर पता चला वह फ्लोर पैनल के नीचे एक किताब से ये आवाज आ रही है। बहुत ही अजीब किताब है ये। कवर पे 3 ड्रॉप्स बना हुआ है और अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक पेजेस। इस किताब में कुछ तो खास बात जरूर होगी, नहीं तो ऐसे छुपाने का क्या मतलब। जॉर्ज को याद आता है जिम की बीवी चार्लेट ऑकल्ट स्टडी करती है, वो जरूर कुछ बता पाएगी। इसी सोच के साथ जॉर्ज और बडी जा पहुंचते हैं उसके घर, जहां एक किताब से उन्हें पता चलता है ये नेक्रोमेंसी की किताब है। विचेस इसे यूज करते हैं ब्लैक मैजिक में। इसके जरिए उन्हें जो चाहिए वो हासिल करते हैं वो लोग। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस किताब में राइटिंग्स तभी विजिबल होते हैं जब इस पर कोई रोता है, इसीलिए इसे व्हिपिंग बुक कहा जाता है। अगर कोई सच्चे दिल से कुछ मांग कर इस पर अपना आंसू गिराता है तो इसमें उसे पाने का इविल प्रोसेस विजिबल हो जाता है। जरूर मर्सी ने भी यही प्रोसेस अपनाई थी, तभी तो एक इनफर्टाइल लेडी को 3 बच्चे का सुख मिला। बडी सबसे बहुत ज्यादा डर गया था। वो इस किताब को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर ठीक तभी कहीं से एक लकड़ी का टुकड़ा आकर उसके पेट में घुस जाता है। हेवीली ब्लीड करने लगता है वो। रेबेका उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और जॉर्ज को अकेले छोड़ जाती है नानी का ख्याल रखने। जॉर्ज जिम को कॉल करता है, मगर वो फोन नहीं उठा था। अचानक घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और दरवाजा खोलने पर जॉर्ज को एक प्लांट दिखता है वर्बेना नाम से। इंटरनेट पर सर्च करने पर उसे पता चलता है इसे होली फ्लावर कहा जाता है। डीमन को दूर रखने के लिए इसे यूज किया जाता है। जॉर्ज हेस्टर के बारे में भी सर्च करता है, जिससे वो जान पाता है ये एक डीमन है। मतलब फादर ग्रीगरी सही थे, मर्सी के साथ इसी डीमन का डील हुआ था। उधर मर्सी अचानक वायलेंट हो उठी थी, बार बार कह रही थी वो आ चुका है। जॉर्ज उसे संभालने के लिए लास्ट फाइल ऑफ सेडेटिव यूज करता है और मर्सी को सुला देता है। तभी उसे कॉल करती है जिनी। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, लिटरली पैनिक कर रही थी वो। जिनी जॉर्ज से कहती है मर्सी की आत्मा उससे मिलने आई थी, उसने कहा है उसे जॉर्ज चाहिए। वो जॉर्ज को उसी वक्त घर से बाहर एक जगह मिलने बुलाती है और खुद को बचाने के लिए क्रॉस यूज करने के लिए कहती है। जॉर्ज कुछ भी समझ नहीं पाता। जिनी ये बार बार वो उसे ये सब कहकर किसे रेफर कर रही है। तभी उसे मर्सी के रूम में आवाज सुनाई देती है। पता चलता है मर्सी बिस्तर से गिर गई है और शायद उसकी मौत भी हो चुकी है, वो सांस नहीं ले रही थी। जॉर्ज पुलिस को कॉल करता है, मगर बिजली जाने की वजह से उसका कॉल कट जाता है। उधर मर्सी की लाश भी कहीं गायब हो चुकी थी, वहां सिर्फ एक काला लिक्विड पड़ा था। जॉर्ज घर से भागने की कोशिश करता है, मगर सारे दरवाजे लॉक्ड हो चुके थे और विंडोज का कांच जैसे पत्थर बन चुका था। फॉर्चुनेटली इसी वक्त जॉर्ज को अपने दोस्त दिखती है घर के बाहर। वो कहती है वो अंदर नहीं जा सकती, कोई उसे रोक रहा है। जॉर्ज को बेसमेंट में जाना होगा, वहां उसे कुल्हाड़ी मिलेगी, उसी से यह दरवाजा टूट सकता है। जॉर्ज वहीं करता है, मगर बेसमेंट में उसे किसी और की प्रेजेंस भी महसूस होती है कुल्हाड़ी के आसपास। डर में उसकी हालत खराब हो चुकी थी, वो ऊपर जाकर खुद को कमरे में लॉक कर लेता है। तभी उसकी नजर पड़ती है फ्लोर की तरफ, वहां कुछ मार्किंग्स बने हुए थे और सामने पड़ा था दी व्हिपिंग बुक। उसके अंदर झांकने पर जॉर्ज को कुछ ड्राइंग्स दिखती है, जिससे वो समझ जाता है उसकी नानी मर्सी उसे किसी शैतान के हवाले करना चाहती है। ये शैतान जरूर हस्टर होगा।
जॉर्ज घर से भागने की कोशिश करता है, मगर कहीं से मर्सी आकर उसे पकड़ लेती है, खींच कर ले जाती है उसी सर्कल के बीचों बीच और उस व्हिपिंग बुक से कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। साथ में चाकू से जॉर्ज को मारने भी जाती है वो। जॉर्ज उसी होली फ्लावर से उसका चेहरा जला देती है और भागता है जिम के घर, मगर जिम उसके बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है उसे कोई कॉल नहीं मिला, जॉर्ज जरूर सपना देख रहा था। जॉर्ज और उसे समझाने की कोशिश नहीं करता, उसे बस अपने माँ के पास जाना था। तो वो जिम के साथ निकल पड़ता है, मगर बीच रास्ते में जिम गाड़ी घुमाकर उसे वापस ले जाने लगता है। साथ में उसने जॉर्ज को गन पॉइंट पे भी ले रखा था। पता चलता है उसे इस हैस्टर के बारे में पहले से पता था और उसने भी उस डीमन से एक डील किया है। वो उसे जॉर्ज दिला देगा, बदले में उसे उसका प्यार रेबेका मिलेगी। जॉर्ज उसके हैवानियत से हैरान हो चुका था। वो गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। जिम उसे रोकने की कोशिश तो करता है, मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। फाइनली जॉर्ज जा पहुंचता है उसी स्पॉट पे जहां जिनी उसे मिलने बुलाई थी। उसे जिनी की कार भी दिखती है, मगर तब तक जिनी की मौत हो चुकी थी। उसकी लाश भी बिल्कुल लैन के लाश की तरह दिख रही थी। जॉर्ज इस पॉइंट पे बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसकी माँ कॉल करती है जिनी के फोन पर। उसे पता नहीं था जॉर्ज जिनी के साथ है, वो तो बस रैंडमली कॉल कर रही थी। घर में कोई नहीं मिला इसीलिए सभी को कॉल करके पता कर रही थी। जॉर्ज के आवाज से वो रिलैक्स हो जाती है। घर बुलाती है उसे, मगर कॉल एंड होने से पहले ही जॉर्ज को अपने माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। जॉर्ज श्योर था मार्सी ने ही जरूर उसके माँ पर हमला किया है। वो भागता है घर की तरफ। उसे बेहोश रेबेका दिखती है एक कमरे में, मगर उसे जगाने से पहले ही मर्सी पागलों की तरह जॉर्ज पर हमला कर देती है। खींचकर उसे सर्कल के अंदर ले जाती है, अपना रिचुअल कंप्लीट करती है और फिर उसके मुंह के अंदर एक काले रंग का लिक्विड वॉमिट करती है। जॉर्ज समझ चुका था ये उसकी नानी नहीं, ये हैस्टर है जो शायद उसे मारना चाहता है। फॉर्चुनेटली उसी वक्त उसके नानू की आत्मा वहां आ जाती है और उसके मदद से जॉर्ज मर्सी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार डालता है। लेकिन इससे उसके अंदर का शैतान नहीं मरता, वो तो मर्सी के शरीर को बस एक निकाब की तरह यूज कर रहा था। अभी उसे मर्सी की जरूरत और नहीं, क्योंकि उसका नया शिकार जॉर्ज उसके कब्जे में है। हैस्टर अपनी असली रूप में आकर खुद को इस किताब में ट्रांसफर कर लेता है और फिर वहां से धीरे धीरे जॉर्ज के शरीर के अंदर घुसने लगता है। अब तक जॉर्ज को पता चल चुका था ये किताब एक मीडियम है, उसे से हैस्टर को बुलाया गया था और उसे वापस भी भेजा जा सकता है। तो वो इस पर अपनी आंसू गिराकर इसे बंद कर देता है, जिसके साथ ही साथ हैस्टर भी उसमें कैद हो जाता है। फाइनली उसका ट्रिक काम कर ही गया, वो बच गया था। वो खुश था मगर दुखी भी, उसने अपने हाथों से अपने नानी का खून जो किया था। तभी उसके सामने आती है उसकी दोस्त, उसकी इमेजिनरी फ्रेंड। पता चलता है ये असल में मर्सी की ही आत्मा है, उसकी यंग वर्शन। सालों पहले उसके वल्नरेबल हालत का फायदा लेकर शैतान ने उससे एक डील किया था। उसके बच्चों के बदले हैस्टर ने उससे उसके होने वाले ग्रैंड चाइल्ड की मांग की थी। उस वक्त के लिए तो मर्सी मान गई, मगर जब कीमत चुकाने का वक्त आया उसने मना कर दिया, क्योंकि वो जॉर्ज से बहुत प्यार करती थी। As the result, हैस्टर उसके पीछे पड़ गया, उसे परेशान करने लगा और फाइनली उसने उसे मार डाला। उसकी मौत बहुत दिन पहले हॉस्पिटल में हो चुकी थी जब उसका स्ट्रोक हुआ था। उसके बाद से हैस्टर ने उसके शरीर पर कब्जा करके उसके जरिए जॉर्ज को पाने की कोशिश करता रहा। आज वो शायद सक्सेसफुल हो भी जाता, मगर जॉर्ज ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के दम पे उसे हरा दिया। मर्सी की आत्मा अपने मौत के बाद से हमेशा उसके साथ रही। वो फ्लर उसने ही भेजा था और हर वक्त बाहर से ही सही उसे हेल्प करती रही। अभी उसका काम कंप्लीट हो चुका है तो वो गायब हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। एट द फाइनल सीन हम देखते हैं वो लोग इस व्हिपिंग बुक को जमीन के नीचे दफना देते हैं एक सीक्रेट स्पॉट पे। इस अनहोली चीज का साया उनके लाइफ पर फिर से कभी नहीं पड़ने देंगे वो लोग। लेकिन शैतान भी हार कहां मानने वाला है, वो भी अपना अगला शिकार ढूंढ ही लेता है ना। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे कहानी पसंद आई, आपको कैसी लगी वीडियो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।